अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीलॉग में हम कुछ बात करेंगे जो पाकिस्तान में सियासी रुझानात हैं। एक रुझान पाकिस्तान बिल्डिंग का है, पाकिस्तान नेशन बिल्डिंग का, पाकिस्तानियों को एक कौम बनाने का रुझान, ठीक है। दूसरा रुझान है ब्लैकमेलिंग का, दूसरा रुझान है किसी के इशारों पे कठपुतली बने रहने का। एक तरफ रुझान है कुर्बानी देने का, साथ देने का, दूसरी तरफ रुझान है मुतालबात करते रहने का। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जाता है, कौन लोग हैं जिनका जिन पे भरोसा किया जा सकता है। कराची के हालात, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान में फ़िरका बनाना, इलाकाई सूरत हाल। तो थोड़ा सा जो मैंने तीन क्लिप, वो पहले भी मैं इनमें से दो तो शेयर कर चुका हूँ, एक पीर पगारा का, एक मुस्तफ़ा कमाल का, और एक जो है मैं आज ताज़ा भी शेयर करूँगा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का, जो मजलिस महदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, कि इंसान अंदाज़ा लगाए कि लोग जो हैं पाकिस्तान के मुतालिक किस तरीके से सोचते हैं। तो ये अल्लामा राजा नासिर को सुनिए। दोबारा फेलियर को रिइंफोर्स कर रहे हैं, बतरी शिकस्त खाएंगे और रुसवा होंगे। लिहाजा हम जैसे खान साहब बाहर से हम इकट्ठे हैं, हम उनकी औलाद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। हम फिरकावारी फैलाने वालों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हम पीटीआई पर कभी आपने सुनी उनकी गुफ्तगू, इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें हैं। तो पाकिस्तान में दर्द जो है ना पाकिस्तान का, वो उनको ही है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, जिनको बना बनाया पाकिस्तान मिल गया है। वो कभी सिंधु देश की बात करेंगे, कभी पाकिस्तान खपे कहकर ब्लैकमेलिंग करके बैरून मुल्क पैसा जमा करेंगे। तो पाकिस्तान बनाने वालों में और पाकिस्तान जो प्लेट में रख के दिया गया है, इन दोनों की सोच में बड़ा फर्क है। सुनिए अल्लामा साहब की बात। बोझ नहीं बनेंगे, बोझ उठाने वाले बनेंगे, साथ देने वाले बनेंगे। हम नेशन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। आपने दो बातें सुनी, इन्होंने कहा कि हम बोझ उठाने वाले बनेंगे, हम साथ देने वाले बनेंगे। देखिए, साथ देना आसान नहीं होता। अस्करी कुव्वतों ने आपको डंडे मारे और धमकियां दी, कुछ वीडियो दिखाई, कुछ आपके केसेस दिखाए, और एमक्यूएम जो है पीटीआई छोड़कर पीडीएम में चली गई। अब ऐसे रवैयों को कब जो है वो मिलती है नशोनुमा? कभी नहीं मिलती। लोग एतबार नहीं करते आप पे, और यही वजह है कि एमक्यूएम को अगर आप देखिए, मुस्तकिल जब से वो सियासत में आई है 1988 से आज तक, उनका एक ही रवैया है। मैंने कुछ खबरें स्लाइड में लगाई है, आप देख लीजिएगा, धमकियां देते रहते हैं, ब्लैकमेलिंग करते रहते हैं। पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें तो हैं वो, मगर वो औलादों की तरह से नहीं, छुट भइयों की तरीके से, छिचोरों की तरीके से हरकतें करते हैं। इसके मुकाबले में अल्लामा राजा नासिर साहब की गुफ्तगू सुनिए, वो नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, मुसीबत में साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। एमक्यूएम तो भाग ली थी, और एमक्यूएम ने क्या किया था? एमक्यूएम ने तहरीक इंसाफ के लिए जब तक हुकूमत में थी कोटा सिस्टम को लेकर, नहीं, इमरान खान ने कोटा सिस्टम हमेशा के लगा दिया। इमरान खान ने लगाया, जाके तारीख पढ़िए, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, और मेरी इन लोगों से गुफ्तगू होती थी उस जमाने में। मैं कहता था कि ओपन मैरिट होना चाहिए, डजंट मैटर कि सारे पंजाबी आ जाएं, सारे सिंधी आ जाएं, सारे महाजिर आ जाएं। पाकिस्तान को टैलेंट की कदर करनी चाहिए, चाहे वो किसी कौमियत और किसी फिरके का हो। मगर इन्होंने एक लफ्ज यूज किया था कि कोटा सिस्टम वॉज डिग्ड एज ए ग्रेव फॉर अस, बट नाउ इट इज आवर ट्रेंच। ये मैं कोई बेकार बात नहीं कर रहा, एक ब्यूरोक्रेट थे मेरी क्लास फेलो, जो बाद में पीटीआई में मिले जाके शामिल हो गए, शहाब इमाम साहब, डॉक्टर शहाब इमाम, उन्होंने, वो खालिद मकबूल के बहुत करीब चल रहे थे, और उन जैसे चंद लोगों का ख्याल था कि हमें कोटा सिस्टम रखना चाहिए। इन्होंने पीटीआई को मजबूर किया कोटा सिस्टम हमेशा के लिए लगाए रखने का, और खामोश रहे, कौम को नहीं बताते थे, ठीक है ना। ये बेवकूफ लोग हैं, ऐसी 18वीं तरमीम भी इन्होंने ला दी थी, कौम से झूठ बोला था। लेकिन कौम जो है वो, मैं तो खुलकर कहता हूं कि बेवकूफ लोग हैं, बहुत बेवकूफ लोग हैं जो अल्ताफ के साथ चिमटे हुए
और क्या नाम है इस कठपुतली एमकेएम पाकिस्तान के साथ चिमटे में राजा नासिर की गुफ्तगू सुनते रहिए। एक ऐसी कौम जिसमें तमाम मसाले को मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो तमाम अकवाम हो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नेशन बिल्डिंग का काम इमरान खान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। 80-90% लोग कहां खड़े हैं? खान साहब के साथ खड़े हैं, उस बयानिए पर खड़े जो उन्होंने दिया कि हमें गुलामी कबूल नहीं है। आजाद खारजा पॉलिसी, दाखिली खुद मुख्तारी, अपनी जमीन अड्डों पर नहीं देंगे, एब्सोल्यूटली नॉट का है उनको, और फैसले खुद करेंगे, डिक्टेट नहीं होंगे। ये वो बयानिया जो पाकिस्तान के अवाम इसको मानते हैं, ये शरीफ गैरतमंद लोगों का और करीम लोगों का बयानिया है, पाकिस्तान के बेवफा बेटों का बयानिया है। इंशाल्लाह हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे जैसे पाकिस्तान बनाते वक्त इकट्ठे थे। अब पाकिस्तान को बचाने का मरहला है, हम इकट्ठे होंगे, हाथों में हाथ देंगे। हमारा आपस में बहुत एतमाद है, बहुत ट्रस्ट है। आप यकीन कर लें कि जो हमें जानते हैं उन्हें पता है कि हमारी कितनी दोस्तियां आपस में, हमारे तो घर एक हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह अजीज ये बहुत अच्छा फैसला है, मेरी खुद ये राय थी ऐसे ही होना चाहिए। मैंने खुद कहा है कि साहबजादा हामिद रजा साहब सुन्नी तहत कौंसिल के सरबराह हैं, बेहतरीन ऑप्शन वही है और हम उसमें हैं कि हमें किसी किस्म का कोई क्या उसे कहते हैं कि वो क्या उसे कहते हैं कि तहफ़ नहीं है, खुशी है। यकीन कर लें आप, हम एक हैं, ना फर्क हो सकते हैं, हम हैं ही एक। तो आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई, हम एक हैं, हमें नेशन बिल्डिंग करनी है, हम इमरान खान का साथ देंगे चूंकि 90% अवाम उनके साथ खड़ी है। देखिए जब आप सुनामी के सामने खड़े होते हैं आप बह जाते हैं, आपको सुनामी का साथ चलना होगा, उससे जो है आप जो इमरान खान जो लेकर चल रहा है मामले को, पाकिस्तान की बका की बात है, उसका नैरेटिव जो है उस नैरेटिव के साथ तो आप खड़े होइए ना, आप जो है मैनिपुलेशन का हिस्सा बन जाते हैं, आप धमकियां लगाते हैं कराची हमारे हवाले करो। अबे भाई कैसे हवाले करो, तुम्हारे पास 35 साल कराची रहा, तुमने जो है क्या किया, तुम्हारे हवाले था ना, तुमने एक कानून साजी नहीं की, तुमने एक जो है बिल महाजरों के हक में नहीं किया, कराची के हक में नहीं किया, ठीक है ना, तुमने महाजर कौमियत छोड़कर जो है तुमने बना ली क्या नाम है मुत्तहदा, ठीक है, जब चाहते हो महाजर बन जाते हो, जब चाहते हो तुम मुत्तहदा बन जाते हो, तुम जब चाहते हो नवाज शरीफ के साथ बैठ जाते हो, जब चाहते हो पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाते हो कि हमारे दुश्मन नहीं है, फिर उनको गालियां देते हो, FIR कटवाते हो, तुम में कंसिस्टेंसी नहीं है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को देखो कि इन्होंने कितने बड़े दिल के साथ, हालांकि बहुत सारे अहले तशी जो हैं वो इनको गालियां दे रहे हैं, इनको बुरा भला कह रहे हैं कि जी इनके साथ इत्तेहाद नहीं किया, देखो एक बार फिर धोखा हो गया। बात यह है कि इस पाकिस्तान में फिरकावारियत इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा फिरकावारियत है, जो एजेंसियों ने खेल खेला है कि पाकिस्तान को तकसीम दर तकसीम किया है, उसके नतीजे में पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है। लेकिन अल्लामा राजा नासिर साहब ने सारी चीजें दूर रखी, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो क्या कहते हैं साहबजादा हामिद रजा बेग हैं उनकी हिमायत की है कि जी इनके साथ जाइए, अगर इससे मफाद हो रहा है, अगर शर से बचा जा रहा है तो हमने तो पाकिस्तान बनाया है। मोहम्मद अली जिना जो हैं वो अहले तशी थे, फातिमा जिना ने आमरियत के खिलाफ खड़ी हुई वो अहले तशी थी, ठीक है, आज अल्लामा राजा नासिर जो है वो खड़ा है साहबजादा हामिद रजा के साथ, इमरान खान के साथ, चूंकि उनको फिरकावारियत नहीं चाहिए, उन्हें तकफीर नहीं चाहिए, उनको जो है पाकिस्तान की बका चाहिए। अरे बात एम क्यूम के तरीके से वो शर्तें नहीं लगा रहे, वो सीटें नहीं मांग रहे, वजारतें नहीं मांग रहे, कातिलों के साथ बैठ नहीं रहे हैं, उनकी जज्बातियत उनका जो साथ है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो नजरिए के साथ है। तो ये समझने की बात है। अब एक आप ये और देखिए क्या नाम है पीर पगारा साहब क्या फरमाते हैं, माशरे को अमीर आदमी नहीं चलाता ना गरीब चलाता, माशरे को मिडिल क्लास चलाता है, जब मिडिल क्लास खत्म हो गया तो आपका माशरा खत्म हो जाएगा, तो खुदा के लिए जो ये माशरे को। तो आपने गुफ्तगू सुनी पीर पगारा साहब की, मैं पहले भी इसको शेयर कर चुका हूं, ये बहुत अहम बात है, जो कराची के लोग, मैं कराची के लोग चूंकि मेरा ताल्लुक वहां से, उसके बता रहा हूं कि आपको पॉजिटिव कुवतों मस्बत कुवतों का साथ देना है, इमरान खान मस्बत कुवत है, ठीक है, पीर पगारा मस्बत कुवत है, पीर पगारा जो है उनका खानदान पाकिस्तान बचाने वालों का है, इस्लाम बचाने वालों का है, मुसलमानों को बचाने वालों का है, पीर पगारा और भुट्टो खानदान में
आसमान और जमीन का फर्क है, पीर पगारा आसमान की बुलंदियों पर है और भुट्टो खानदान जो है नफरतों, असबियतों, डकैतियों, जुल्म की पस्तियों में है। वो अगर मरे हैं, वो शहीद नहीं हुए, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हुए मरे हैं, वो पाकिस्तान की तकसीम करते हुए मरे हैं, वो इख्तदार की भूख में मारे गए हैं, अवाम के लिए नहीं मारे गए। वरना एक जमींदार नवाब शाह का, जिसका एक बम्बिनो सिनेमा हो, आज बिलियंस ऑफ डॉलर का मालिक हो जरदारी, उसको तो जेल में सड़ना चाहिए, करप्ट तरीन आदमी। मगर पीर पगारा आज भी वही शान और शौकत, पाकिस्तान के लिए दर्द, और उनके इलाके के जो उर्दू बोलने वाले हैं, मुहाजिर जो हैं, वो उनसे अकीदत रखते हैं। और मैं समझता हूं कराची के भी जो लोग हैं, एमक्यूएम जैसी टुच्ची पार्टी, एमक्यूएम जैसी घटिया पार्टी जिसने 35 साल सिवाय जुल्म व सितम, फिसाद, भत्ताखोरी, चोर बाजारी, धोखाधड़ी के कुछ नहीं किया, बेहतर है कि पीर पगारा पर ट्रस्ट करें। पीर पगारा जो है वो आपका तहफ्फुज इन टुच्चों से बेहतर कर सकते हैं, ये मैं आपको साफ बता रहा हूं। पीर पगारा वो शख्स है कि जिसको आपको जो है सपोर्ट करना चाहिए। ये थोड़ी सी गुफ्तगू एक बार और सुन लीजिए आप मुस्तफा कमाल साहब की। अभी ये ड्रामे बाजी अगर नहीं होगी ना, हमने रैली की अगर आवाज दे दी तो फिर कोई घर से नहीं निकल पाएगा इस कराची में। सो ये जो घर से नहीं निकल पाएगा कराची से, ये अल्ताफ की लैंग्वेज है, ठीक है। हमने इसकी मजम्मत, मैंने 91 से इस रवैये की मजम्मत कर रहा हूं। मैं जवानी से इस बात का मुखालिफ हूं कि मुहाजिर मुहाजिर को मारे, इंसान इंसान को मारे, पाकिस्तानी पाकिस्तानी को मारे, ये काबिल कबूल नहीं है। मेरे नजदीक कादिर मक्सी और अल्ताफ हुसैन एक ही हैं। ये कत्लो गारतगरी, धौंस धमकी की सियासत जो है पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, ये महाजरों के लिए नुकसानदेह है, कराची के लिए नुकसानदेह। आप कौन होते हैं किसी को घर से ना निकलने की धमकी देने वाले? अपना काम कीजिए, आपने ठेका लिया है। आपको किसी ने अगर आपके सर पे हाथ रख दिया है अल्ताफ हुसैन की मुखालफत में, आपको हक नहीं है कि धौंस और धमकी की बात करें। आपने दिया क्या कराची को सिवाय अलमियों के, सानेहात के? आप कहते हैं जी हम 1988 से जीत रहे हैं, आप नहीं जीत रहे मुस्तफा कमाल साहब, अल्ताफ हुसैन जीत रहा है, आप उसके तुफैल जीते हैं। तो बिला वजह में मिक्स ना करें, आपकी हैसियत कुछ नहीं है। अगर साहिब इख्तदार तबका हाथ उठा ले आपसे, आप टिकट कटा के दुबई चले जाएंगे। आपकी ताकत का सरचश्मा जो है वो अस्करी कुव्वतें हैं, अस्करी कुव्वतों से अपनी कौम के लिए या तो कुछ लीजिए। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, आप डिक्टेशन लेने का सिलसिला बंद कीजिए। आप सियासत में अगर इसलिए आए कि कौम का मफाद होगा, तो कौम का मफाद दिखाइए कहां हो रहा है, कहां आपका वजीर आला आ रहा है। आपको वजीर आजम बनने का शौक हो रहा है, चूंकि दो पार्टियां वजीर आजम बनना नहीं चाहती, तो आप सोच रहे हैं मेरा टिकट लग गया। ओ भाई, तुमने जो वादे किए थे कौम से डिस्ट्रिक्ट का, बताओ, अब तुम इलेक्शन जीत गए, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कैसे बनेगा? 18 में इसी एमक्यूएम ने सूबे बनाने की बात की थी, आप मुखालफत कर रहे थे, आपने डिस्ट्रिक्ट की बात की, तो मुझे बताइए कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट कैसे बनेंगे? खुद मुख्तार डिस्ट्रिक्ट आप तो नहीं बना सकते, आपको जो 18, 19, 20, 15 जो भी सीटें दी गई हैं, ठीक है, उनकी अहमियत जो है वो टकेगी नहीं है, ठीक है, आपको भी मालूम है। पीपल्स पार्टी आपको घास नहीं डालती, ठीक है ना, और जो आपके हैंडलर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करने के लिए, काबू करने के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं, इससे ज्यादा आपकी अहमियत नहीं है। और आप बिला वजह में, चूंकि आपकी आप पे सरपरस्ती है उनकी, आप अपने लोगों को धमकियां देते हैं। बंद कीजिए अल्ताफ की जहनियत, अल्ताफ का रवैया, गालम गलोच, धमकियां देना, जमात इस्लामी को धमकी देना, पीपल्स पार्टी में जो महाजन मौजूद है उनको धमकी देना, हर एक को धमकी देना, ये कत्लो गारतगरी धमकी की सियासत आपको बंद करनी होगी। मुखलिस होना हो किसी ना किसी के साथ तो मुखलिस होइए। अब आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठे, इस एस्टेब्लिशमेंट से ही
आप मुखलिस होइए, शायद आपके तुफैल इस कराची को कुछ मिल जाए। राजा नासिर अब्बास से सीखिए। आ रही है बात समझ में? जब आप इस तरीके से पॉजिटिव अपने अंदर तब्दील लाएंगे तो यकीनन कराची का फायदा होगा। मगर जो आपका रवैया है कि जी नारा महाजिर बंद कर दो, सबसे अच्छा नारा नारा मुत्तहदा है, तो अभी जाके मुत्तहदा तो मुल्तान में बनाओ, लाहौर में बनाओ, इस्लामाबाद में बनाओ, कराची में मुत्तहदा की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या हैसियत है मुत्तहदा की? जमात इस्लामी काफी है, तहरीक इंसाफ काफी है, आपकी क्या जरूरत है? आप तो महाजिर कौमियत लेके खड़े हुए थे ना, जब चाहते हैं महाजिर कौमियत पे आ जाते हैं, जब चाहते हैं मुत्तहदा पे चले जाते हैं, जब चाहते हैं पीपल्स पार्टी को धमकी देते हैं, जब चाहते हैं उसको अपना यार बना लेते हैं, हमारी दुश्मनी नहीं है। ये बंद करना होगा ये सिलसिला। बहरहाल ये दिखाना था जो पॉजिटिव तब्दीली आई है आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से, एक अच्छी न्यूज़ है, एक अच्छा अमल है जिसे कौम को सराहना चाहिए।